सो आप सब लोग वेलकम टू आई केमिस्ट्री चैनल। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो आज मैं क्या करवाने जा रहा हूँ, आज मैं लेसन सेकंड करवाने जा रहा हूँ, यूनिट सेकंड, क्लास नाइन्थ की बेटा, नाइन्थ क्लास की यूनिट सेकंड में स्टार्ट कराने जा रहा हूँ। ओके बेटा, यूनिट सेकंड ठीक हो गया। ओके बेटा, जिन्होंने पहले करी हुई है उनके लिए क्या हो जाएगा, रिविजन हो जाएगा, ठीक हो गया। यूनिट सेकंड क्या होता है बेटा, इज मैटर अराउंड अस, इज मैटर, क्या नाम है यूनिट का, इज मैटर अराउंड अस, प्योर अराउंड अस, ठीक हो गया, प्योर। तो देखो यूनिट का नाम है, जो भी हमारे चारों तरफ मैटर्स है ना, मैटर्स आपको पता ही है, मैटर क्या होता है भाई, एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड वॉल्यूम, जो हमारे चारों तरफ मैटर्स है ना, तो वो क्या प्योर है या नहीं उसका पता लगाएंगे इस यूनिट में। क्लियर है बात। तो देखो इसमें पहला क्वेश्चन ही पुट हो जाता है बेटा, व्हाट इज मिक्सचर, क्या हो जाता है बेटा, पहला क्वेश्चन ही पुट हो जाता है, व्हाट इज मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर, सही है जी, कि मिक्सचर क्या है जी। ओके बेटा, कि क्या है मिक्सचर, व्हाट इज मिक्सचर। तो देखो अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपने सामान खरीदा हो भाई, आप घी खरीदते हो, दूध खरीदते हो, तो किन्हीं किन्हीं सब्सटेंसेस में लिखा जाता है भाई, प्योर घी, प्योर मतलब फुल क्रीम मिल्क, देखा है ना आपने। तो इसका मतलब क्या है, अगर जिसमें भी प्योर लिखा है इसका मतलब वो प्योर सब्सटेंस है, उसमें जो कंपोनेंट्स है ना, मतलब वो जो मिक्सचर है ना, वो प्योर सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। क्लियर है बात, यानी उसमें जो भी पार्टिकल्स है ना वो प्योर स्टेट में है। ओके बेटा ठीक हो गया, इसका मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं कर रखी है। अब जैसे जो लोकल चीज आती है ना, उसमें ये नहीं लिखेगा भाई प्योर प्योर घी नहीं लिखा रहेगा, ठीक हो गया बेटा, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ मिक्सचर्स किया गया है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अशुद्धियां मिलाई गई है, ठीक हो गया, एडल्टरेशन किया गया, मिलावट की गई है, ठीक हो गया बेटा। अब देखो अगर मैं बात करता हूं शुगर की, पहले बात करता हूं सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड मतलब किसकी बात कर रहे हैं, नमक की। तो नमक में क्या होंगे बेटा, नमक प्योर फॉर्म में भी होगा, इम्प्योर फॉर्म में भी होगा। कभी आपने देखा होगा बेटा टाटा साल्ट, वो क्या लिखा जाता है, प्योर टाटा साल्ट, इसका मतलब जो भी उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे ना उस वाले सॉल्ट में, तो वो प्योर स्टेट में होंगे, किसमें होंगे बेटा, प्योर स्टेट में, ठीक हो गया। ऐसे ही शुगर की अगर मैं बात करता हूं, तो शुगर में भी, शुगर एक मिक्सचर है, ठीक हो गया, शुगर एक मिक्सचर है जो कि कंटेन करता है मोर देन वन प्योर पार्टिकल्स, ठीक हो गया, उसमें क्या होंगे, प्योर पार्टिकल्स होंगे। कभी आपने देखा होगा दानेदार होते हैं ना भाई, ऐसा दानेदार होती है, ठीक हो गया शुगर। तो देखो अगर मैं कंक्लूजन की बात करता हूं मिक्सचर्स, तो मिक्सचर्स की डेफिनेशन क्या होगी, मिक्सचर्स कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस। ओके बेटा, क्या होगी बेटा, मिक्सचर्स की डेफिनेशन क्या होगी, मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन, इसका मतलब मोर देन वन मिक्सचर कंटेन्स मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस। ओके बेटा, प्योर सब्सटेंसेस होंगे, मतलब एक से ज्यादा हो सकते हैं, तभी तो वो मिक्सचर हुआ ना, सही है बेटा बात, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है। तो मिक्सचर आप समझे कि मिक्सचर में एक से ज्यादा सब्सटेंस होंगे लेकिन वो प्योर स्टेट में होंगे, उसको कहते हैं मिक्सचर, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पुट होता है, नेक्स्ट टॉपिक समझ लो या सब टॉपिक समझ लो, टाइप्स ऑफ मिक्सचर। अब जो मिक्सचर है ना बेटा, वो कितने टाइप के हो सकते हैं, ठीक हो गया, उनके टाइप्स बताने हैं, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। तो देखो बेसिकली मिक्सचर्स होते हैं दो टाइप के, कितने टाइप के होते हैं बेटा, दो टाइप के, होमोजीनियस मिक्सचर, ओके बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर, और क्या होते हैं बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्लियर है बात, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इसका ही पता करने के लिए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, फिर आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो ये क्या है, एक्टिविटी नंबर वन। ओके, अब देखो ध्यान से आपको सुननी है ये एक्टिविटी, ठीक हो गया, परफॉर्म तो नहीं हो पाएगी बिकॉज इट्स ए वर्चुअल क्लास। ओके, तो देखो पहला काम हमें क्या करना है बेटा, मैं एक क्लास है मेरे पास, क्लास को मैं चार पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ, ग्रुप बना दिए मैंने चार, तो ग्रुप ए बी सी और डी, ठीक हो गया बेटा, ग्रुप चार ग्रुप में मैंने डिवाइड करी क्लास को। तो देखो ग्रुप ए में क्या करा मैंने, ग्रुप ए को मैंने क्या दिया बेटा, उसको कहा कि आप 50 ml पानी लो, ठीक हो गया, और एक स्पैचुला दिया, स्पैचुला क्या होते हैं, चम्मच टाइप की, ठीक है, स्पून टाइप का होता है, उसमें क्या भर दिया मैंने, कॉपर सल्फेट भर दिया पाउडर्ड फॉर्म में, और उसको कहा कि आप इसको मिलाओ, ठीक हो गया, इस बीकर में मिलाओ।
अब ग्रुप बी को क्या कहा बेटा मैंने, ग्रुप बी को मैंने कहा कि आप भी 50 ml पानी लो, 50 ml बीकर में पानी लो, और दो स्पैचुला मैंने उसको उनको कॉपर सल्फेट दे दिए पाउडर्ड फॉर्म में और कहा मिलाओ जी इनको, ठीक हो गया। अब देखो ग्रुप सी और डी को मैंने क्या कहा, ग्रुप सी और डी को मैंने कहा कि बेटा आप भी 50 ml पानी लो, ठीक हो गया, और आप क्या करो, आप डिफरेंट अमाउंट लो कॉपर सल्फेट का, एक स्पैचुला में अलग अलग अमाउंट दे दिया मैंने कॉपर सल्फेट का, और प्लस KMnO4 किसका दे दिया बेटा, पोटेशियम परमैंगनेट का भी मैंने पाउडर्ड फॉर्म में दे दिया उनको अलग स्पैचुला में, और सबको कहा कि इनको पानी में मिलाओ, ठीक हो गया, इस 50 ml पानी में मिलाओ और रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपनी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। तो बेटा क्या ऑब्जर्व होता है, तो ग्रुप बी ए और बी ने, ग्रुप ए और बी को क्या ऑब्जर्व हुआ, ग्रुप ए और बी को ने ऑब्जर्व करा कि जो इनका मिक्सचर बना ना बेटा वो थ्रू आउट, यानी मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स थे ना वो यूनिफॉर्मली थे, क्या हो गया बेटा यूनिफॉर्मली थे, क्योंकि जाहिर सी बात है बेटा इन्होंने कॉपर सल्फेट लिया पाउडर फॉर्म में और उसको पानी में मिलाया, बात क्लियर है, तो इनको जो मिक्सचर मिले ना वो थ्रू आउट क्या मिले, यूनिफॉर्म मिले, ठीक हो गया, क्या मिले बेटा यूनिफॉर्म मिले। तो इससे ये पता लगा, इससे क्या बात पता लगी, इससे ये बात पता लगी कि ये जो मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है ये क्या हो गया, होमोजीनियस मिक्सचर, ठीक हो गया बेटा होमोजीनियस मिक्सचर, इज इट क्लियर और नॉट, क्लियर है बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब हो गया सेम कंपोनेंट है भाई उसमें, मिक्सचर्स के सेम कंपोनेंट है, क्योंकि कॉपर सल्फेट को पानी में ही डाला है, ठीक हो गया। अब देखो और अदर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ, अदर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ बेटा, तो कौन सा भाई, एक काम करना पानी में चीनी को घोल देना तो क्या हो जाएगा, होमोजीनियस मिक्सचर बनता है, नमक को पानी में घोल देना तो तब भी होमोजीनियस सॉल्यूशन बनेगा, ठीक हो गया, ओके बेटा, होमोजीनियस मिक्सचर या इसका दूसरा नाम हो गया सॉल्यूशन, क्या हो गया बेटा दूसरा नाम सॉल्यूशन, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा, ओके बढ़े आगे। अब देखो ग्रुप सी और डी को क्या मिला, ग्रुप सी और डी ने ऑब्जर्व क्या किया, इन्होंने क्या ऑब्जर्व, क्योंकि इन्होंने कॉपर सल्फेट और KMnO4 दोनों मिलाए थे ना, समझ रहे हो, कॉपर सल्फेट अलग है KMnO4 अलग है, तो अब इनको क्या मिला, जो भी इनको बीकर में भाई कुछ भी मिला ना इनको, इनको जो पार्टिकल्स थे ना वो यूनिफॉर्म नहीं मिले, मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो गए जी पार्टिकल्स, क्या हो गए इनको थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, इन्होंने स्टर करा स्पैचुला से घोला तो इनको नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स मिले, नॉन यूनिफॉर्म पार्टिकल्स मिले, ओके बेटा। तो इसको ही क्या कहते हैं, इसको ही क्या कहते हैं, हेटरोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं, क्या कहते हैं जी इसको, हेटरोजीनियस मिक्सचर्स कहते हैं, इज इट क्लियर और नॉट, इतनी बात क्लियर है बेटा। तो देखो हेट्रोजीनियस मिक्सचर के और अदर एग्जांपल देख लो भाई, पानी में आज आप रेत मिला के देखना आपको पता लग जाएगा होमोजीनियस बना या हेट्रोजीनियस, ठीक हो गया, जो पार्टिकल्स होंगे ना रेत के, सैंड के जो पार्टिकल्स होंगे वो थ्रू आउट दी नहीं होंगे, वो यूनिफॉर्मली नहीं होंगे भाई, पूरा अच्छे से सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, ठीक हो गया बेटा। तो देखो आज हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, मिक्सचर्स पढ़ा और टाइप्स ऑफ मिक्सचर पढ़ा, ठीक हो गया। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर खत्म हो जाती है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो, ठीक हो गया, फॉर लेटेस्ट केमिस्ट्री वीडियो, थैंक यू।